हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं गाइस आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस आज हम लोग एसएसटी हिस्ट्री में चैप्टर वन आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जो आपके टर्म वन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो फ्रेंड हम लोग का पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कंजर्वेटिव रिजीम्स वेर सेटअप इन 1815 इन यूरोप। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया गया है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक, डिक्टोरियल। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हम लोग का सही आंसर होगा ऑटोक्रेटिक। ठीक है, यानी कि राजा रजवाड़ों का शासन। ठीक है, तो हम लोग गाइज हैं ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हम लोग का, नेपोलियन इन्वेडेड इटली इन, नेपोलियन ने कब इटली पर आक्रमण किया था। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया गया है 1821, 1790s, 1905, 1797। तो गाइज हम लोग का यहाँ पर सही आंसर होगा 1790s, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, 1790 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने आक्रमण किया था, इन्वेड किया था इटली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन गाइज हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट पेंटेड द इमेज ऑफ जर्मेनिया। ठीक है, इनमें से कौन सा आर्टिस्ट है जो जर्मेनिया का इमेज बनाया था। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया गया है फिलिप विट, फेडरिक सोरियो, अर्नेस्ट रेनन और रिचर्ड एम हो। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हम लोग को सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फिलिप विट। ठीक है, फिलिप विट ने क्या किया था, इमेज बनाया था जर्मेनिया का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हम लोग का, हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है, इसमें से कौन सा होस्ट किया था ट्रीटी ऑफ वियना को। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया गया है फेडरिक सोरियो, विक्टर एम्यूल, ड्यूक मैटनिस और गुसेप गरिबाल्डी। ठीक है, तो गाइज हम लोग को यहाँ पर चार ऑप्शन में सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, ड्यूक मैटनिस ने। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना उन्होंने होस्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज एब्सोल्यूटिस्ट मीन। ठीक है, मतलब कि एब्सोल्यूटिस्ट मीन का मतलब क्या है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन दिया गया है ऑफ फिलोसफी, अ थियरी, मोनार्कियल गवर्नमेंट और पेंटिंग। तो गाइज हम लोग यहाँ पर जो एब्सोल्यूटिस्ट मीन होता है वो होता है मोनार्कियल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन गाइज हम लोग का, व्हाट डज अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ विंग स्केल सिंबलाइज। ठीक है, एक ब्लाइंड फोल्ड आँख में पट्टी बंधा हुआ वुमेन है जो कि मेजरिंग स्केल लेके खड़ी हुई है। ठीक है, तो गाइज आपको बताना है वो किसका प्रतीक है। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया गया है पीस, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी। तो गाइज यहाँ पर हम लोग का कानून से संबंधित है ना। ठीक है, जो कि आँख में पट्टी बंधा हुआ है तो कानून क्या अंधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का सही आंसर क्या होगा, जस्टिस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हम लोग का, व्हाट वाज द मेन इंटेंशन बिहाइंड ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है गाइज, यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में हुआ था, उसका मेन इंटेंशन क्या था, उसके पीछे का मेन वजह क्या था। ठीक है, मेन कारण क्या था। तो पहला आपका ऑप्शन दिया गया है रीस्टोर रिपब्लिक्स, दूसरा आपका रीस्टोर डेमोक्रेसीज, ऑप्शन सी है रीस्टोर मोनार्कीज और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो गाइज हम लोग यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रीस्टोर मोनार्कीज। ठीक है, जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था 1815 में, उसका मेन मकसद था फिर से दोबारा मोनार्की को रीस्टोर करना था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है गाइज। ठीक है, वैसे यहाँ पर मैं जितना भी क्वेश्चन लाया हूँ सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द नेशनलिज्म ब्रॉट अबाउट इन यूरोप द इमर्जेंस ऑफ। ठीक है, तो यूरोप में जो नेशनलिज्म हुआ था उसका जो इमर्जेंस है किस वजह से था। ठीक है, ये पूछा है, आपको ऑप्शन दिया गया है द नेशन स्टेट, द मॉडर्न स्टेट, यूरोपियन स्टेट, अलायंस गवर्नमेंट। ठीक है, तो गाइज हम लोग यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द नेशन स्टेट को लेकर। ठीक है, तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, द नेशन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिज्म डिड नॉट बिलीव इन एस्टेब्लिशिंग एंड प्रिजर्विंग।
आपका ऑप्शन दिया गया है द मोनार्की, द डेमोक्रेसी, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, सोशलिज्म। तो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया जो कंजर्वेटिज्म थे किस पे बिलीव नहीं करते थे, ठीक है, उसको इस्टेब्लिश करना या तो प्रिजर्व करना, ठीक है। तो आपको ऑप्शन चार ऑप्शन दिया गया है, उसमें सही आंसर क्या होगा। तो गाइज यहाँ पर सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी द डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी को लोग फिर से इस्टेब्लिश नहीं करना चाहते थे, उन लोग पसंद नहीं था, ठीक है। जो कंजर्वेटिव लोग था उनको डेमोक्रेसी बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है, उसको वो लोग बिलीव नहीं करता था इस्टेब्लिश करना या प्रिजर्व करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन गाइज हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बाल्कन पेनिनसुला, ठीक है। इनमें से चार ऑप्शन दिया गया है पावर का, इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया और जापान, ठीक है। इनमें से कौन सा पावर था जो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था किसमें, बाल्कन पेनिनसुला में, ठीक है। तो गाइज हम लोग का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जापान, ठीक है। जापान जापान को बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं था बाल्कन पेनिनसुला में, ठीक है। तो ये था गाइज हम लोग का आज का 10 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज ये सीरीज लगातार चलता रहेगा, ठीक है, जब तक आपको एग्ज़ाम खत्म नहीं हो जाता है। तो गाइज ठीक है, मिलते हैं फिर से हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।